सर, आपका माइक म्यूट पर है। अच्छा म्यूट कर दें, ओके ठीक है सर। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। मैं नवीन येड़े काजूपाड़ा हिंदी स्कूल से। आज हम मैथ ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको एक स्क्रीन जो है शेयर कर रहा हूँ, उस स्क्रीन के माध्यम से हम लोग आज जो है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में मल्टीपल्स एंड डिविजर ये पढ़ने वाले हैं। ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत हम लोग सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो ये जो को सबसे पहला फ्रंट पेज जो है हमारे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5 का फ्रंट पेज मैंने यहाँ पे शो किया हूँ, क्योंकि हम लोग फिफ्थ क्लास का जो घटक पढ़ने वाले हैं। तो आज हमको पढ़ना है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स एंड फैक्टर जो है ये पार्ट टू में आता है, मतलब दिवाली के बाद का जो सेशन होता है उसमें हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स इसे बोलते हैं विभाजक और विभाज्य। हिंदी में अगर बोला जाए तो विभाजक और विभाज्य हमको आज पढ़ना है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन दिया हुआ है, तो हमको कन्वर्सेशन की ओर ध्यान देना है। सबसे पहले देखो, दादा बोला है आई हैव 12 पेड़ास, मतलब मेरे पास 12 पेड़ा है, 12 पेड़े है। आई हैव टू पुट देम इन इक्वल ग्रुप, आई हैव टू पुट देम इन इक्वल ग्रुप सो दैट नो पेड़ा इज लेफ्ट ओवर। मुझे इन पेड़ों को ऐसे इक्वल ग्रुप में बांटना है कि एक भी पेड़ा एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, मतलब बांटने के बाद एक भी पेड़ा एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। हाउ मेनी पेड़ास मस्ट आई पुट इन ईच ग्रुप, तो कितने पेड़े जो है हमको एक ग्रुप में लेना पड़ेगा। संजू, उसके बाद संजू क्या बोलती है देखो, पुटिंग इनटू ग्रुप मींस डिवाइडिंग, ग्रुप में पेड़ों को बांटना, इसको ही बोलते हैं डिवाइडिंग करना, डिवाइड करना। नन लेफ्ट ओवर मींस दैट द रिमाइंडर विल बी जीरो, लेफ्ट ओवर मींस दैट द रिमाइंडर विल बी जीरो, जिसमें अगर हम लोग ग्रुप में बांटते हैं, ग्रुप में बांटने के बाद उसका रिमाइंडर जो है वो जीरो आना चाहिए। जैसे कि दो संख्या है, दो संख्या को या दो रुपए मेरे पास में है, तो दो रुपए को मैं बांटना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे किसी एक ही व्यक्ति को दो रुपए दे दूंगा, या तो फिर एक को एक और एक को एक, ऐसे दो रुपए में दो लोगों को बांट दूंगा, तो इसमें रिमाइंडर जो है वो जीरो बचता है। उसके बाद अंजू क्या बोलती है देखो, 12 इज डिविजिबल बाय 2, मतलब 12 जो है 12 को 2 से भाग जाता है, 12 ये 2 से 12 को 2 से भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, क्योंकि 2 के पहाड़े में जो है 12 आता है, 2 छक्के 12। सो वी कैन मेक ग्रुप ऑफ 2, मतलब जो 12 पेड़े हमारे पास में है उसका हम जो है दो दो का ग्रुप भी करके बांट सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति को दो पेड़े, ऐसे 6 लोगों को जो है दो दो पेड़े करके हम लोग बांट सकते हैं, जिसमें रिमाइंडर जीरो बचेगा। देन संजू क्या बोलती है देखो, 12 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब 12 जो है ये 12 को 3 से भी भाग जाता है। सो वी कैन मेक ग्रुप ऑफ 3, मतलब 12 जो पेड़े है वो हम लोग तीन तीन का तीन तीन एक व्यक्ति को तीन तीन पेड़े देके भी उसकी ग्रुप बना सकते हैं। देन सागर बोलता है वी कैन आल्सो मेक ग्रुप ऑफ 4, हम 4 का भी ग्रुप बना सकते हैं। जैसे चार 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 पेड़े जो है एक व्यक्ति को देते हैं, तो कितने ग्रुप बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे। एक व्यक्ति को 4 पेड़े, दूसरे व्यक्ति को भी 4 पेड़े और तीसरे व्यक्ति को भी 4 पेड़े, अगर हम लोग ऐसे बांटते हैं तो ऐसे 3 लोगों को हम लोग जो है 4-4 पेड़े दे सकते हैं। अनीता क्या बोलती है, कैन वी मेक ग्रुप ऑफ 5, क्या हम 5 का ग्रुप बना सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति को 5 पेड़े, एक व्यक्ति को 5 पेड़े से दे सकते हैं। देन उसके बाद मंजू क्या बोलती है, नो बिकॉज 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, मतलब 12 को हम जो है 5 से भाग नहीं दे सकते, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसीलिए हम लोग जो है 5 पेड़ों का ग्रुप नहीं बना सकते। अंजू, वी कैन डिवाइड 12 बाय 6, वी कैन डिवाइड 12 बाय 6, मतलब 6 से भी हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 6-6 पेड़ों का दो ग्रुप बनेंगे। सो ग्रुप ऑफ 6 कैन बी मेड, मतलब
छह का भी ग्रुप बनेगा। अभी तक जो हमने पढ़े उसमें बताया है कि 12 जो पेड़े हैं, 12 पेड़े का दो का भी ग्रुप बन सकता है, दो दो पेड़े भी हम लोग बांट सकते हैं, दो के कितने ग्रुप बनेंगे, 6 ग्रुप बनेंगे। देन तीन के ग्रुप बना सकते हैं, तीन के ग्रुप कितने बनेंगे, 4 ग्रुप बनेंगे। देन 4 के भी ग्रुप बना सकते हैं एंड 6 के भी ग्रुप बना सकते हैं, परंतु हम लोग जो है 5 के ग्रुप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो है ये 5 जो है 5 के पारे में 12 नहीं आता, उसमें रिमाइंडर 2 बच जाएगा। मंजू, वी कैन नॉट मेक ग्रुप ऑफ 7, 8, 9, 10 और 11 बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड 12 बाय एनी ऑफ दिस नंबर। मतलब मंजू ने बोला है कि हम लोग जो है 12 को कैन नॉट मेक ग्रुप, मतलब 7, 8, 9 और 10, 7, 8, 9 और 10 और 11 इसका ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि 12 जो है 12 ये इनके पहाड़ी में नहीं आता, या इनको 12 को जो इनसे डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते। 12 बाय एनी ऑफ दिस नंबर्स कैन नॉट डिवाइड, मतलब 12 को हम लोग इसमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए वी कैन नॉट मेक ग्रुप ऑफ 7, 8, 9, 10 और 11। देन संजू, देखो संजू क्या बोलती है, वी कुड मेक वन ग्रुप ऑफ 12। संजू का बोलना है कि क्या वी कुड मेक वन ग्रुप ऑफ 12 कि हम लोग 12 का भी एक ग्रुप बना सकते हैं, किसी एक ही व्यक्ति को 12 के बारे पेड़े दे सकते हैं, मतलब वो भी एक ग्रुप हुआ ना। एंड गिव इट टू वन पर्सन, और वो एक व्यक्ति को दे सकते हैं। और वी कुड गिव 12 पीपल वन पेड़ा ईच, या फिर 12 लोगों को एक एक पेड़ा दे सकते हैं। मतलब इस प्रकार से हम लोग एक एक पेड़ा देके भी 12 ग्रुप बना सकते हैं, दो दो पेड़े देके 6 ग्रुप बना सकते हैं, तीन तीन पेड़े देके 4 ग्रुप बना सकते हैं, छह पेड़े देके 2 ग्रुप बना सकते हैं, और 12 पेड़े देके 1 ग्रुप भी बना सकते हैं। दादा वही बोल रहा है कि वेरी गुड, 12 इज एग्जैक्टली डिविजेबल बाय 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। मतलब 12 जो है ये 12 को 1, 2, 3, 4, 6 और 12 से पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब वो एक के भी पहाड़े में आता है, दो के भी पहाड़े में आता है, तीन के भी पहाड़े में आता है, छह के भी पहाड़े में आता है और 12 के भी पहाड़े में आता है, विच मीन्स द रिमाइंडर इज 0। और इन संख्याओं से 12 को भाग देने पर रिमाइंडर जो है 0 बचता है। दिस नंबर आर कॉल्ड डिविजर्स आर फैक्टर्स, मतलब विभाजक या फिर गुणनखंड ऑफ 12। ये जो है 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये सभी जो है ये 12 के विभाजक है, या फिर उसको आप गुणनखंड भी कह सकते हैं। मतलब इन सभी संख्याओं को 12 को पूरा पूरा भाग जाता है, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से एंड 12 से 12 को पूरा पूरा भाग जाता है, इसीलिए इनको जो है 12 का डिविजर्स मतलब विभाजक या फिर गुणनखंड मतलब फैक्टर्स ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है प्रॉब्लम से 32 देखेंगे। प्रॉब्लम से 32 में बोला है कि राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उनके आपको फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स बताना है कि इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, मतलब इसके गुणनखंड क्या आएंगे, विभाजक क्या आएगा। जैसे पहला है, पहले में क्या दिया बच्चों, 8 दिया हुआ है, तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, मतलब 8 किस किस के बारे में आता है। सबसे पहले 1 के बारे में तो 8 आएगा, ठीक है, उसके बाद 2 के बारे में भी 8 आता है, उसके बाद 4 के बारे में भी 8 आता है, और उसके बाद 8, मतलब इसके भी हम लोग अगर ग्रुप की बात की, अगर इसे ग्रुप में डिवाइड करना है तो 1 के बारे में भी 1-1 के 8 ग्रुप बना सकते हैं, 2-2 के 4 ग्रुप बना सकते हैं, 4-4 के 2 ग्रुप बना सकते हैं और 8 का 1 ग्रुप बना सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसके भी 4 ग्रुप बना सकते हैं, और इसीलिए 1, 2, 4 एंड 8 जो है वो डिविजर है, फैक्टर है किसके, 8 के, ठीक है। देन सेकंड एग्जांपल इज 5। तो 5 के फैक्टर कौन कौन से है, फैक्टर्स ऑफ द 5 इज 1 एंड 5 ओनली, क्योंकि 5 जो है ये सिर्फ 1 के बारे में आता है और 5 के बारे में आता है, बाकी किसी और संख्या से इसको भाग जाता है क्या,
नहीं जाता, ये दो के बारे में भी नहीं आता, और तीन के बारे में भी नहीं आता, और चार के बारे में भी नहीं आता। इसीलिए अगर मान लो मेरे पास पांच आम है, तो मैं उसे या तो पांच लोगों में एक एक करके बांट दूंगा, या तो फिर किसी एक ही व्यक्ति को पांच आम दूंगा, तभी वो मतलब सेम सेम रूप से जा सकते हैं। देन 14, अब 14 में देखो फैक्टर्स ऑफ द 14 क्या आएगा। 14 जो है वो एक के बारे में आता है, उसके बाद मतलब एक के 14 ग्रुप बना सकते हैं, एक के 14 ग्रुप बना सकते हैं, और सात के बारे में भी 14 आता है, 7 × 14 7 × 14। तो सात 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 के दो ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद में देखो अगर आप बोलोगे सर दो के बारे में आता है क्या, तीन के बारे में आता है क्या, तो दो या तीन का हम लोग ग्रुप नहीं बना सकते। इसके सेम दो दो के इसमें जो रिमाइंडर जीरो बचे ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो से अगर हम भाग देंगे, सॉरी दो दो भी आएगा, सॉरी दो भी इसका जो है फैक्टर्स है, मतलब 1, 2 और 7 ये इसके 3 फैक्टर्स है। फैक्टर्स ऑफ द 10 इज 10 के फैक्टर्स है 1, 2, 5 और 10। इस प्रकार से आपको जो है प्रॉब्लम सेट 32 जो है उसके बाकी के जो नंबर्स है उनके फैक्टर्स निकालना है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल्स, मतलब विभाज्य, हिंदी में इसको बोलते हैं विभाज्य। यहां पर भी देखो दादा अंजू, दादा अंजू इनके बीच में जो है सूरज, इनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है मल्टीपल को लेके, विभाज्य को लेके, वो मैं आपको समझा रहा हूं। यू नो व्हाट अ डिविजर एंड अ डिविडेंड, आप सभी को पता है कि डिविजर मतलब क्या होता है एंड डिविडेंड मतलब क्या होता है। डिविजर मतलब होता है, डिविजर मतलब भाज्य और डिविडेंड मतलब भाजक। डू यू नो व्हाट अ मल्टीपल इज, यही हम लोग पढ़ने वाले कि डिविजर किसे कहते हैं और डिविडेंड किसे कहते हैं। डू यू नो व्हाट अ मल्टीपल्स इज, इसके मल्टीपल्स कौन कौन है वो हमको पढ़ना है। अंजू, आई डोंट नो व्हाट अ मल्टीपल इज, अंजू क्या बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मल्टीपल क्या होता है, विभाज्य क्या होता है, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इट मस्ट बी रिलेटेड टू मल्टीप्लेक्शन, पर मुझे जो है मल्टीप्लेक्शन कैसे होता है मतलब गुना कैसे करते हैं वो मुझे पता है। दादा राइट, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, यू कैन सॉल्व 20/5 कांट यू, क्या तुम 20/5 ये नहीं कर सकते। अंजू क्या बोलती है, एस When we divide the dividend 20, dividend मतलब भाज्य, and by the divisor 5, अगर उसको 5 से भाग देते हैं, मतलब डिविजर से भाजक से भाग देते हैं, the question is 4, तो 5 × 20, 5 × 20, and the remainder is 0, remainder क्या बच जाएगा, इसमें 0 बच जाएगा। अगर 20 को 5 से भाग देते हैं तो जो है हमारा भागफल आएगा 4 और रिमाइंडर बचेगा 0, मतलब 20 को 5 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब इसमें रिमाइंडर जो है ये 0 बच रहा है। दादा क्या बोलते हैं देखो उसके बाद, व्हेन द डिविजन ऑफ अ डिविडेंड लीव नो रिमाइंडर, अगर द डिविडेंड इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ द डिविजर, अगर वेन द डिविजन ऑफ अ डिविडेंट लीव नो रिमाइंडर, मतलब जैसे भी यहां डिविडेंट क्या है 20 है, भाज्य कितना है 20 है, 20 को डिविजर 5 से भाग दिए, उसके बाद 20 को भाग देने के बाद रिमाइंडर जो है 0 बच रहा है, मतलब बिल्कुल भी नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो उसको जो है तो वो जो उसका द डिविडेंड इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ द डिविजर, तो वो 5 का मल्टीपल होगा 20, मतलब उसका विभाज्य होगा, 5 का मल्टीपल क्या होगा
20 होगा, क्योंकि 5 से जो है 20 को पूरा पूरा भाग जाता है, या 5 के पहाड़े में 20 आता है, इसीलिए वो जो है 5 का क्या है, मल्टीपल है। इन ईच अ केस द डिविडेंड इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिविजर एंड द क्वेश्चन हियर 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 बट 21 इज नॉट, क्यों? क्योंकि 5 के पहाड़े में 20 आता है, परंतु 21 आता है क्या? नहीं आता है, इसीलिए जो है 21 जो है ये 5 का मल्टीपल नहीं है, मतलब विभाज्य नहीं है। नाउ टेल मी, अब बताओ, कैन वी डिवाइड 84 चॉक स्टिक्स इनटू ग्रुप ऑफ 6? क्या 84 जो है चॉक स्टिक्स जो है खड़िया जो है, मतलब हम लोग जो चाक यूज करते हैं स्कूल में, वो खड़िया जो है 84 है, 84 चॉक स्टिक्स है, 84 चॉक स्टिक्स को हम लोग ग्रुप ऑफ 6, 6-6 का ग्रुप बना सकते हैं क्या, जिसमें रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि 6 का जो है मल्टीपल ये 84 है। देखते हैं सूरज क्या बोलता है, लेट मी डिवाइड बाय 6, 84 को 6 से पहले डिवाइड करो तो आपको पता चल जाएगा कि वो उसका 84 जो है 6 का मल्टीपल है या नहीं। 84 कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 6, देखो 84 कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 6 एंड द क्वेश्चन इज 14, मतलब 14 ग्रुप में जो है 6-6 के ग्रुप बनाते हैं, तो 84 जो है 84 के 14 ग्रुप बनेंगे, मतलब इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 6 से पूरा पूरा भाग 84 को जाता है, इसका मतलब 6 जो है 6 का मल्टीपल है 84, मल्टीपल है 84। इसीलिए वी कैन मेक 14 ग्रुप ऑफ 6, मतलब 6 के हम लोग 14 ग्रुप बनाएंगे। सो 84 इज द मल्टीपल ऑफ 6 एंड 6 इज अ फैक्टर ऑफ 84, बराबर बच्चों, 84 इज द मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6 का मल्टीपल क्या होंगे, 84 हो गया, क्योंकि 6 के पहाड़े में 6 का पहाड़ा अगर 14 टाइम हम पढ़ते हैं तो 84 आता है, मतलब 6 का मल्टीपल जो है वो 84 है, और 84 का फैक्टर जो है वो 6 है, मतलब 84 को 6 से भाग जाता है, इसका मतलब वो फैक्टर हो गया उसका, ठीक है, 6 ये 84 का फैक्टर है, ये दोनों अपोजिट है, 84 जो है 84 का फैक्टर क्या है 6 है, और 6 का मल्टीपल क्या है 84 है, 6 का मल्टीपल क्या है 84 है। उसके बाद दादा क्या बोलते हैं, देखो इसी को हम लोग जो है मल्टीपल को और भी अलग अलग पद्धतियों से यहाँ पढ़ने वाले हैं, 2-3 प्रकार से बताया है कि किस प्रकार से हम मल्टीपल निकाल सकते हैं। दादा, इफ द नंबर ऑफ चॉक स्टिक्स इज 6, 12, 18, 36 और 84, इफ द नंबर ऑफ चॉक स्टिक्स जो है इज 6, 12, 18, 36 और 84, देन वी कैन मेक एग्जैक्ट ग्रुप ऑफ 6 विथ नॉन लेफ्ट ओवर। देखो अभी अगर मान लो चॉक स्टिक जो है 6 है, नंबर ऑफ चॉक स्टिक्स इज 6 है, 6 चॉक स्टिक्स है, या 12 है, 18 है, 36 है, या 84 है, देन वी कैन मेक एग्जैक्ट ग्रुप ऑफ 6, मतलब 6 के भी हम लोग जो है एक ग्रुप बना सकते हैं, 12 के हम दो ग्रुप बनाएंगे 6-6 का, 18 का जो है हम लोग 3 ग्रुप बनाएंगे, 36 का 6 ग्रुप बनाएंगे, और 84 का आपको बने अभी पहले इसके पहले ही बताया कितने ग्रुप बनेंगे 84 के, अगर 6-6 के ग्रुप बनाए तो 14 ग्रुप बनेंगे, बराबर है। इट मींस देन 6, 12, 18 एंड 36 एंड 84 आर मल्टीपल्स ऑफ 6। अभी हमने इसके पहले क्या देखे थे कि 6 का मल्टीपल कितना था, 84 था, मतलब एक ही नंबर हमने देखे थे कि 6 का मल्टीपल क्या था, 84 था, क्योंकि 6 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते 14 से तो हमको 84 मिलता है, तो अभी हमको पता चला कि 6 का मल्टीप्लाई जो है 84 तो है ही, बट 6 भी उसका मल्टीप्लाई है, क्योंकि 6 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आती है, 6 के टेबल में जितनी भी संख्या आती है, 6 × 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 35, 6 × 36, 6 × 42, 6 × 48, 6 × 48, जितनी भी संख्या आती है उसके बाद की भी बहुत सारी संख्या जिसको 6 से पूरा पूरा भाग जाता है, ऐसी सभी संख्याएं जो है ये 6 का मल्टीपल है। और अब आगे बढ़ते हम लोग, और दैट दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, मतलब 6 को भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, 12 को भी पूरा पूरा भाग जा रहा है 6 से,
18 को भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, 36 को भी 6 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, और 84 को भी 6 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये सभी संख्याएं जो है वो 6 के मल्टीपल है, विभाज्य है। टू सी वेदर द नंबर ऑफ चौक स्टिक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, डिवाइड दैट नंबर बाय 6, मतलब ये सभी नंबर जो है 6 से डिवाइड है, मतलब पूरा पूरा भाग जाता है। इफ द रिमाइंडर इज 0, यदि रिमाइंडर 0 आता है, द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 6, अगर इन सभी संख्याओं को 6 से आप भाग देते हो और उसका रिमाइंडर जो है उसका शेषफल जो है अगर वो 0 आता है, इसका मतलब वो सभी संख्याएं जो है 6 के मल्टीपल है। ईच नंबर इन द 3 टाइम्स टेबल इन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 और इज अ मल्टीपल ऑफ 3। देखो ईच नंबर मतलब प्रत्येक नंबर इन द 3 टाइम टेबल, मतलब 3 का जो टेबल है उस 3 के टेबल में भी ये सभी नंबर्स आते हैं। एग्जिटली डिविजिबल बाय 3 और इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के पहाड़े में जितने भी नंबर्स आते हैं, मतलब 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 15, 18, ये जो भी संख्या है, मतलब 3 के टेबल में, 3 के टेबल में जितनी भी संख्या आती है वो सभी संख्याएं जो है क्या है, 3 के मल्टीपल से। सिमिलरली द नंबर इन द 7 टाइम टेबल आर मल्टीपल्स ऑफ 7, वैसे ही 7 का भी अगर टेबल है, 7 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं, 14 है, 21 है, और भी आगे जितने भी नंबर्स आते हैं 7 के टेबल में, वो सभी नंबर्स जो है वो 7 से मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल्स है। नंबर इन द 9 टाइम टेबल आर मल्टीपल ऑफ 9 और 9 के पहाड़े में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी 9 के मल्टीपल्स है। वी यूज दिस आइडिया ऑल द टाइम, हम हमेशा जो है ये आइडिया यूज कर सकते हैं कि जितने भी टेबल्स है 2 से लेके तो सामने तक 30 तक बोलो 40 तक बोलो जितने भी टेबल्स है, तो जिन जिन नंबर के टेबल्स में जितनी भी संख्याएं आती है वो सभी संख्याएं जो है उस नंबर से मल्टीप्लाई मल्टीपल सभी वो सभी संख्या है जो उस नंबर की मल्टीपल होते हैं। अब उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। आई हैव अ 20 मिलीलीटर मेजर, हमारे पास एक 200 मिलीलीटर मेजर, मतलब 200 मिलीलीटर का एक हमारे पास माप है। विल आई बी एबल टू मेजर आउट 1 लीटर ऑफ मिल्क विद इट, क्या हम 1 लीटर को इस मेजरमेंट से, इस माप से, 200 मिलीलीटर के माप से क्या गिन सकते हैं? विल बी एबल टू मेजर आउट 1 लीटर ऑफ मिल्क विथ इट, मतलब 200 मिलीलीटर का हमारे पास एक माप है, मेजर है, और उस मेजर से हमको जो 1 लीटर दूध जो है वो गिनना है। सूरज क्या बोलता है? 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 इज इक्वल टू 200 × 5, 200 × 5 करोगे आप तो आपको 1000 मिलेगा, मतलब 200 जो मिलीलीटर के जो माप था उसको हम लोग 5 टाइम अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग जो है 1 लीटर पूरा दूध जो है हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। मीन्स दैट 1000 इज अ मल्टीपल ऑफ 200, मतलब 200 के जो है 200 से जो है वो 1000 को पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब 1000 का जो है 1000 जो है ये 200 का भी मल्टीपल है। सो वी कैन मेजर आउट 1 लीटर ऑफ मिल्क विद द 200 मिलीलीटर मेजर, मतलब 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर होता है, आप सभी को पता है, आप सभी पढ़े हो कि 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर होता है, और हमारे पास माप कितने का है? 200 मिलीलीटर का है। अब 200 मिलीलीटर से जो है 200 मिलीलीटर का जो माप है उस 200 मिलीलीटर के माप से हम 1000 मिलीलीटर गिन सकते हैं, मतलब 1 लीटर गिन सकते हैं। इसीलिए 200 जो है 200 का मल्टीपल जो है वो 1000 है। और उसके बाद 5 मेजर आप 200 मिलीलीटर मेक 1 लीटर, अगर 5 मेजरमेंट हम लोग लेते हैं 200 का तो भी हमको जो 1 लीटर मिल्क जो है हम लोग नाप सकते हैं। दादा कैन वी मेजर आउट 1
एंड अ हाफ लीटर ऑफ मिल्क विद द 200 मिलीलीटर मेजर. क्या कैन वी मेजर, क्या हम माप सकते हैं आउट वन एंड अ हाफ. वन एंड हाफ मतलब एक लीटर पूरा और आधा लीटर, मतलब पूरा मिला के दोनों मिला के हो गया डेढ़ लीटर. अब डेढ़ लीटर मिल्क मतलब कितना मिलीलीटर हो जाएगा, 1500 बराबर है, 1500 मिलीलीटर को जो है क्या हम लोग 200 मिलीलीटर के नाप से गिन सकते हैं. अंजू क्या बोलती है, वन एंड अ हाफ लीटर इज 1500 मिलीलीटर. 1500 इज नॉट डिविजिबल बाय 200. 1500 को हम लोग 200 से भाग नहीं दे सकते, मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जाता. सो इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 200. यहाँ पे जो 1500 जो है, 1500 मिलीलीटर जो है ये 200 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 200 से इसको पूरा पूरा भाग, 1500 को पूरा पूरा भाग नहीं जाता. सो द 200 मिलीलीटर मेजर कैन नॉट बी यूज टू मेजर आउट वन एंड अ हाफ लीटर ऑफ मिल्क. इसका मतलब 2000 का जो मेरे पास मेजर है, 2000 का जो मेरे पास नाप माप है, तो उससे मैं जो है एक लीटर और आधा लीटर मतलब डेढ़ लीटर जो है मिल्क को मैं माप नहीं सकता. मतलब सो द 200 मिलीलीटर मेजर कैन नॉट बी यूज टू मेजर आउट वन एंड अ हाफ लीटर ऑफ मिल्क. मतलब 200 मिलीलीटर मेजरमेंट से का जो मेजर है उससे हम लोग जो है इसको नाप नहीं सकते. दादा क्या बोलते है, आई हैव 400 ग्राम्स ऑफ चना. मेरे पास जो है 400 ग्राम्स ऑफ चना है, मतलब 400 ग्राम जो है चना है. आई हैव टू मेक पाउचेस ऑफ 60 ग्राम, और मुझे छोटे छोटे पाउच बनाना है, छोटे छोटे पॉकेट्स बनाना है 60 ग्राम के. कितने ग्राम के, 60 ग्राम के. इज दैट पॉसिबल इफ आई डोंट वॉन्ट एनी लेफ्ट ओवर. क्या ये पॉसिबल है, आई डोंट वॉन्ट एनी लेफ्ट ओवर, पर मुझे जो है यहाँ पे बिल्कुल भी रिमाइंडर जो है उसका कुछ भी नहीं बचना चाहिए. तो क्या करेंगे हम लोग, 400 जो है 400 को पहले 60 जो है 60 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, बराबर है. उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि उसका रिमाइंडर बच रहा है या नहीं बच रहा है. रिमाइंडर अगर 0 है इसका मतलब 60 का जो है मल्टीपल ये 400 है, मतलब 400 ये मल्टीप्लाई 400 जो है 400 ये 60 का मल्टीपल है, ऐसा हम लोग समझेंगे. तो अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में, 60 जो है वो 400 को जो है 60 से भाग जाएगा क्या, ये 0 0 यहाँ तो कट हो जाएगा, 6 6 36 ओके, बचा है कितना 4. मतलब रिमाइंडर जो है 4 बच रहा है, रिमाइंडर 4 बच रहा है. इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 400 ग्राम्स ऑफ चना जो है, 400 ग्राम्स ऑफ चना जो है उसको हम लोग 60 ग्राम्स अगर पाउच छोटे छोटे हम लोग पॉकेट बनाते हैं तो हम लोग नहीं बना पाएंगे 60 ग्राम के पॉकेट. नो 400 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6. देखो यहाँ बोला है, अंजू ने बोली है कि नो 400 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6. मैंने आपको डिवाइड करके बताया कि 400 को 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे. अब 400 को 60 से डिवाइड करते हैं तो वहां पे जो है रिमाइंडर 4 बच जाता है, बराबर है. तो जब रिमाइंडर 4 बच जाता है इसका मतलब जो है 400 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 60. वो जो है 400 जो है मल्टीपल नहीं है, 60 का मल्टीपल नहीं है. दादा हाउ मच मोर चना विल आई नीड टू मेक दोज पाउचेस ऑफ 60 ग्राम ईच. देखो अगर दादा क्या बोल रहे हैं कि हाउ मच मोर चना, और उसमें कितना चना हम लोग मिलाएंगे 400 ग्राम्स में, और कितना ग्राम चना हम लोग मिलाएंगे तो 60 ग्राम्स के पाउच बन पाएंगे, बराबर है. हाउ मच मोर चना विल आई नीड टू मेक दोज पाउच ऑफ 60 ग्राम्स ईच. अंजू क्या बोलती है, वी विल हैव टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ 60 दैट कम्स डायरेक्टली आफ्टर 400. मतलब हमने 60 × 6 किए तो कितना आया था 360. देखो यहाँ पे दिया हुआ है 60 × 6 किए, मतलब मैंने 6 टाइम जो है उसको मल्टीप्लाई किया था
यार 60 का पढ़ा मैंने, 6 बार पढ़ा था तो 360 आया था, बराबर है। मतलब 400 के लिए कितना कम था, 400 के लिए 40 ग्राम कम था। अगर मैं 60 × 7 करता हूँ तो आता है 420, ठीक है। मतलब इसमें जो है पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर जीरो बचेगा। अगर 420 आता है तो 60 के जो हम लोग अगर पाउच बनाना चाहते हैं या 60 के हम लोग जो छोटे छोटे पॉकेट बनाना चाहते हैं तो हमको 7 जो है पॉकेट बनाना पड़ेगा। और उसके लिए देखो हमारे पास सिर्फ जो है चना कितना है 400 ग्राम से, और जबकि 7 हम लोग पॉकेट बनाते हैं तो हमको चना कितना चाहिए 420 ग्राम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वी नीड 20 ग्राम मोर ऑफ चना। मतलब हमको जो है 20 ग्राम चने की और जरूरत है। दादा ने जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर अंजू ने दी कि हमको और जो है 20 ग्राम चने की जरूरत है। अभी यहां भी मैं दिखाता हूं आपको किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम लोग अगर 20 ग्राम उसमें अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, 400 ग्राम में 400 ग्राम जो चना है उसमें अगर हम लोग 20 ग्राम और ऐड कर देते हैं तो 420 जो है, तो 420 अगर ग्राम हमारे पास चना होता है तो 60 के हम लोग 7 जो है पॉकेट्स बना सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। इस प्रकार से दादा के क्वेश्चन का आंसर जो है वो अंजू ने दी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता की कसौटी। स्टडी द टू टाइम्स टेबल एंड सी विच नंबर अपियर इन द यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस जो पे जो नंबर्स आते हैं उसको हमको क्या करना है, विच नंबर अपियर इन द यूनिट प्लेस, स्टडी करना है उसकी। की स्टडी द टू टाइम्स टेबल मतलब टू का टेबल जो है, टू का टेबल एंड सी विच नंबर अपियर इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में क्या नंबर आ रहा है। सिमिलरली डिवाइड 52, 74, 80, 96 एंड 98 बाय 2 to see if they are exactly divisible by 2। क्या 52 जो है ये 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा, जाएगा कैसे देखो इसकी मतलब टेस्ट फॉर डिविजिबल बाय 2 मतलब 2 की कसौटी क्या बोलती है, इफ देयर इज 0 2 4 6 और 8 इन द यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4, 6, 8 ये संख्या होती है, ये नंबर्स होते हैं, सॉरी ये नंबर्स होते हैं, तो वो उस संख्या को जो है 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, वो कोई भी नंबर है चाहे कितना भी बड़ा नंबर है, 3 डिजिट का रहे, 4 डिजिट का रहे, 5 डिजिट का रहे, 6 डिजिट का रहे, 7 डिजिट का रहे, कितने भी डिजिट का नंबर रहने दो, अगर उसके यूनिट के प्लेस पे, उसके यूनिट के प्लेस पे 0 2 4, 6 और 8 ये अगर वहां पे डिजिट आते हैं तो वो नंबर, वो जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे बताया है कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 5 मतलब 5 की कसौटी। 5 की कसौटी क्या बोलती है कि एनी नंबर विथ 5 आर 0 इन द यूनिट्स प्लेस इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और इज डिविजिबल बाय 5 मतलब अगर किसी भी संख्या के, चाहे वो कितने भी डिजिट की संख्या रहने दो, अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर
पांच या जीरो आता है तो वो संख्या जो है पांच की मल्टीपल है, मतलब पांच से उस संख्या को पूरा पूरा भाग जाता है। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ टेन, इसके बाद हम लोग 10 की कसौटी देखेंगे, 10 की कसौटी देखेंगे। एनी नंबर दैट हैज जीरो इन द यूनिट प्लेस इज अ मल्टीपल ऑफ 10। कोई भी नंबर रहने दो, उस नंबर के अगर यूनिट के प्लेस पे जीरो होता है, उसके यूनिट के प्लेस पे अगर जीरो होता है तो वो नंबर जो है 10 से उस संख्या को पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब वो नंबर जो है, वो संख्या जो है, वो संख्या 10 की मल्टीपल होंगी। उसके बाद देखो प्रॉब्लम से 33 जो है सभी बच्चों को करना है, तो इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहला क्वेश्चन जो है, पहले का पहला देखो, राइट 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल अप टू। देखो राइट 5 3 डिजिट नंबर, मतलब 3 डिजिट नंबर लिखना है, कितने नंबर लिखना है, 5 नंबर लिखना है जो 2 से मल्टीपल हो, जो 2 से मल्टीपल हो, मतलब जिसको 2 से पूरा पूरा भाग जाता हो। आप कोई भी बता सकते हो जिसकी इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 ये संख्या हो, ऐसी संख्या आपको यहाँ पे लिखना है जिससे आपको जो है 2 के मल्टीपल निकालना आसान होगा। इसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक ब्लैंक पेज है, इसमें मैं देख बताता हूँ कि 2 का मल्टीपल जैसे कि 242, इसके यूनिट के प्लेस पे क्या है 2 है, इसका मतलब ये जो 242 की संख्या जो है, ये 2, ये 3 डिजिट की जो संख्या है ये 2 से मल्टीपल है। उसके बाद 420, ये भी संख्या जो है उससे मल्टीपल है 2 से। उसके बाद 786, ये भी संख्या जो है ये भी 2 से मल्टीपल है, 3 डिजिट की संख्या है और ये भी 2 से, 2 का जो है मल्टीपल है। उसके बाद 888, इसके भी यूनिट के प्लेस पे क्या है 8 है, इसका मतलब ये भी संख्या जो है वो 2 से मल्टीपल है। तो इस प्रकार से आप सभी जो है ये निकाल सकते हो कि 2 के मल्टीपल क्या क्या है। उसके बाद राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 से मल्टीपल जो है, 5 से जिसको पूरा पूरा भाग जाता है, ऐसी संख्या, मतलब 5 का विभाज्य जो है, मतलब जो 5 के पहाड़े में आता है या 5 से जिसको पूरा पूरा भाग जाता है, ऐसी 5 संख्या भी आपको लिखना है। उसके बाद राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 10, जिसको 10 से पूरा पूरा भाग जाता है या 10 के पहाड़े में आता है जिसमें रिमाइंडर 0 बचता हो, ऐसी 5 संख्या भी आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट 5 नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 3, मतलब ऐसे 5 नंबर लिखना है जो 2 के भी मल्टीपल हो और 3 के भी मल्टीपल हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अ रिबन इज 3 मीटर्स लॉन्ग, एक रिबन जो है वो 3 मीटर लंबा है, कैन वी कट इट इंटू 50 सेंटीमीटर पीसेस एंड हैव नथिंग लेफ्ट ओवर, राइट द रीजन व्हाई और व्हाई नॉट, मतलब कर सकते तो क्यों कर सकते और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक रिबन है 3 मीटर का और कैन वी कट इट इंटू 50 सेंटीमीटर पीस, मतलब 50 सेंटीमीटर के उसके हमको क्या करना है, पीस बनाना है, तो हम लोग बना सकते हैं या नहीं बना सकते वो हमको यहाँ पे बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग, आई नीड 8 पीस ऑफ रिबन इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स शॉर्टर इन द रिबन दैन द लेंथ आई नीड, मतलब क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में कि मुझे, मेरे पास 3 मीटर लॉन्ग जो है क्या है रिबन है, 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 300 सेंटीमीटर को मैं क्या करूंगा, इसको भी सेंटीमीटर में लाऊंगा, पहले सबसे पहली बात तो मीटर जो है इसको सेंटीमीटर में लाऊंगा, और मुझे क्योंकि सेंटीमीटर में जो उस रिबन को क्या करना है, उसकी पीस बनाना है, कितने पीस बनाना है 8, तो 832 मतलब 320 हो रहे, ठीक है, 320 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 320 सेंटीमीटर होने के लिए यहाँ पे 300 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर, तो कितना कम है 20 सेंटीमीटर कम है, बराबर है,
तो हाउ मेनी सेंटीमीटर सॉर्टेड, मतलब कितने की कमी है अपने को, सिर्फ 20 सेंटीमीटर जो है रिबन की कमी है 8 पीस बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक नीचे फिफ्थ नंबर, इफ द नंबर गिवन इन द टेबल इज डिविजिबल बाय द गिवन डिविजर, इफ द नंबर इज गिवन इन द टेबल इज डिविजिबल बाय द गिवन डिविजर, ठीक है। से डिविजर जो है यहाँ पे 2 है और इधर नंबर दिए 15, 30, 34 एंड 46। तो देखो 15 को जो है ये 2 का मल्टीपल है क्या, 15 नहीं है क्योंकि 2 के पहाड़े में 15 आता है क्या, नहीं आता, तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह देना है, ठीक है। अब 5 के पहाड़े में 15 आता है क्या, आता है, इसका मतलब यहाँ राइट का साइन करना है। ध्यान जो है 10 जो है 10 का मल्टीपल है क्या 15, 15 है क्या, नहीं है, तो इसमें क्या करना है, क्रॉस का साइन देना है। इस प्रकार से जो हम लोगों को क्या करना है, ये टेबल को पूरा कंप्लीट करना है, इस टेबल को पूरा कंप्लीट करना है। इस प्रकार से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने आज जो है मल्टीपल्स एंड जो है डिविजर इन दोनों के बारे में पढ़े, विभाजक और विभाज्य इन दोनों की कंसेप्ट आपकी क्लियर हुई होंगी ऐसा मुझे पूरा पूरा अनुमान है कि आपको समझा होगा कि डिविजर्स मतलब क्या होता है, फैक्टर्स मतलब क्या होता है और जो है मल्टीपल मतलब क्या होता है। फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको समझाया कि फैक्टर्स किसे कहते हैं, जैसे कि कोई भी एक संख्या है उसको हमको समान भागों में बांटना है, समान भागों में बांटना है और उसमें रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तो उस संख्या को कैसे मतलब कितने ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं, कितने तरीके से हम लोग बांट सकते हैं, मतलब कौन कौन संख्या से उस संख्या को पूरा पूरा भाग जाता है, तो जिस जिस संख्याओं से उसको पूरा पूरा भाग जाता है उसे उस संख्या के जो है फैक्टर्स ऐसा कहा जाता है। मल्टीपल्स का मतलब होता है कि जैसे कि 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में या 2 से 3 से 4 से जिस संख्या को भी मतलब पूरा पूरा भाग जाता है तो वो जो है संख्या जो है उस संख्या की मतलब जैसे 2 के भाग जाने वाली संख्या जो है 420 है, 420 को 2 से पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब 2 का जो मल्टीपल है वो 420 है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो है मल्टीपल्स और डिविजर के बारे में पढ़े।